अखंड भारत टीवी के लिए। अखंड भारत के लिए, उसके नाम में ही अखंडता है और भारत अपने आप में अखंडता के लिए प्रारंभ से संपूर्ण अखंडता के लिए रहा है। कभी भी उन्होंने बांटने का, पृथकता का, खंडन का प्रयास नहीं किया। भारत का जरूर खंडन हो चुका हो, परंतु पुनः भारत अखंडता की ओर है। यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ की परंपराएं हो, यहाँ का वैचारिक और जो सैद्धांतिक जो शास्त्रीय विधान है वो भी अखंडता को साबित करता है। वसुदेव कुटुम्बकम हमारी ये सुक्तियाँ हैं जो लगता है कि मानवता को शांति का संदेश देने के लिए, अखंडता को स्थापित करने के लिए, अखंडता के सिद्धांत को प्रस्फुटित करने के लिए इस तरह की सुक्तियाँ आज पूरे विश्व में गुंजायमान है। तो भारत अपने आप में ऐसे अखंडता के संदेश को देता है, परिवार के रूप में हो, राष्ट्र के रूप में, समाज के रूप में, किसी भी रूप में हो, अखंडता का बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अखंड भारत नाम ही ऐसा है, तो निश्चित ही सभी की अखंडता के लिए, संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए अखंडता का संदेश है। तो निश्चित ही अखंड भारत टीवी अपनी परंपराओं को लेकर के जिस तरह से प्रचार और प्रसार के माध्यम से हमारे युवा भाई बहनों को जोड़ने का, उनको अवगत करवाने का एक माध्यम है, तो बहुत ही सुगमता की बात है। और लगता है कि इस प्रकार से हमारा प्रचार और प्रसार का जब माध्यम रहेगा तो हमारे युवा भाई बहन हमारी प्रकृति से, हमारी संस्कृति से, हमारी परंपराओं से अवगत होंगे और वो हमारे इस आवरण को, इस ध्येय को पूरे विश्व में लेकर जाएंगे। तो इस अखंडता के साथ ही अखंड भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ देता हूँ। इसी प्रकार से वह कार्य करता रहे जिससे कि भारत पुनः अखंडता के दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम महाराज जी, कंच जी महाराज जी का। इसी तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।